कोविड-19 महामारी के कारण लागू कर्फ्यू के दौरान बच्चों की शिक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े इसके लिए प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। टीवी चैनल दूरदर्शन शिमला वो समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला जैसे नए कार्यक्रम तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यमों से बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाई करवाई जा रही है। हमीरपुर जिला में भी ये अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला की सभी राजकीय पाठशालाओं को इसके तहत जोड़ा जा चुका है। इनमें प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अलग अलग समय अवधि में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। हर घर बने पाठशाला के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 9 अप्रैल से तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा गत 14 अप्रैल से ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा टीवी चैनल दूरदर्शन शिमला पर हिमाचल में ज्ञानशाला हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक 10वीं व 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को आसान विधि से समझाया जाता है। जिला मुख्यालय के समीप सोहाल गांव की नंदिनी ने बताया कि वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर में 10वीं की छात्रा है। कर्फ्यू के कारण उन्हें घर में रहना पड़ रहा है, मगर टीवी के माध्यम से पढ़ाई की अच्छी पहल सरकार ने की है। मेरा नाम नंदिनी है, मैं गांव सवाल में रहती हूँ। मैं 10वीं क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में पढ़ती हूँ। लॉकडाउन की वजह से जो हमारी पढ़ाई रुकी थी, अब हम घर बैठे बैठे टीवी से पढ़ सकते हैं और घर बैठे बैठे बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। वही अन्य छात्रों ने बताया कि वे टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई टीवी के माध्यम से हो रही है, इसलिए मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर हमारा जो होमवर्क खत्म हो जाता तो फिर हम जो फोटो खींच के भेज देते और हम फोटो खींच के भेजे तो हम नीचे अपना नाम लिख देते तो टीचर से पता चल जाता है कि इस बच्चे ने काम कर लिया और टीचर जो चेक कर लेता है। हमारी क्लासेस पढ़ाई जो हो रही है ना, वो व्हाट्सएप के जरिए हो रही है। व्हाट्सएप में ना सभी बच्चों के ग्रुप बनाए हुए हैं और सर लिखकर और फोटोज खींच कर उसमें काम भेज देते हैं, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम भी उसमें फोटोज भेज देते हैं। जो लॉकडाउन से हमारी पढ़ाई रुकी है, हम घर बैठे सीख सकते हैं। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूँगी। वहीं सरकार की इस पहल का लोगों ने भी स्वागत किया है और लोगों का कहना है कि इससे कर्फ्यू के दौरान घरों में रह रहे बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। बाकी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, थोड़ा 1 फुट 1 मीटर की दूरी पर बैठें और मास्क लगा के बैठें, है ना। हाँ, कोरोना वायरस है कि बच्चों को इकट्ठा ना रहें, 3 या 5 बच्चे ज़्यादा इकट्ठे ना हों, दूर दूरी पर रहें और अपने घर में रहें बस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घर घर पाठशाला के लिए ये लिंक तैयार करके और हमारे बीपीओ ऑफिस द्वारा और हमारे सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हमें मिल चुका है और बच्चों को उनके ग्रुप के हिसाब से काम भेज रहे हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में दूरदर्शन शिमला का प्रसारण ओम नैरो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हमीरपुर के चैनल नंबर 657 पर, गुड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड सिटी केवल नदौन में चैनल नंबर 804, साहेब इन्फोकॉम टोनी देवी के चैनल नंबर 137, रेनबो डिजिटल नेटवर्क वर्सर के चैनल नंबर 130, फास्टवे केबल नेटवर्क पर नदौड़ में 95 और साई केबल नेटवर्क जाहू के चैनल नंबर 92 पर किया जा रहा है।